यहाँ बहुत लोग होंगे, ध्यान चाहे बैठे हो, कोशिश की हो चाहे ध्यान ना किया हो, आपने आंखें बंद की होंगी, अंधेरा ही दिखाई देता है। कुछ लोग बैठ करके अंधेरे में खोजने का प्रयत्न करते हैं, इन्हीं आँखों के द्वारा, चर्म चक्षुओं के द्वारा, कि कुछ दिखाई दे जाए, कुछ प्रकाश दिखाई दे, कुछ तारे दिखाई दे जाए, कुछ आसमान दिखाई दे, कुछ रंगीला महसूस हो, कोई तस्वीर दिखाई दे जाए, कोई कल्पना का सागर, किसी प्रकार से सोचते रहते हैं। मन के अंदर जो विचार हैं वो घूमते रहते हैं, और वो मन के विचार घूमते घूमते आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ चले गए, कहाँ आपका ध्यान चला गया, क्या सोच रहे हैं, क्या आपके विचार चल रहे हैं, कहाँ आप फंस गए हैं, आप नहीं समझते। बस आप ये सोचते हैं गुरुजी ने बोला है हमें अंदर उतरना है, इतना तो सुन लिया लेकिन रास्ता नहीं पूछा और रास्ता मालूम भी नहीं। तो आप उस अंधेरे के अंदर, अंधेरे को, या तो अंधेरे के अंदर आप खुद को कुदा देते हैं ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे को अपने अंदर देखने लगते हैं, ये मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर मैं हूँ, ये मेरे अंदर है। धीरे धीरे कल्पनाएं तेज होने लगती हैं, उस कल्पनाओं में हम सूर्य चंद्रमा को भी देखने लगते हैं, कल्पनाओं के अंदर ही सब कुछ बना लेते हैं, कल्पनाओं में ही बिगाड़ने लगते हैं, हमें एहसास नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, ये साधना नहीं है। कुछ लोग इसको बहुत बड़ी साधना मानते होंगे कि हाँ मैंने तो ऐसा कर लिया और मैं तो कूद गया अंधेरे के अंदर, मेरा तो अंधेरा हट गया है, अब मुझे प्रकाश दिखाई देने लगा है। ये आपका भ्रम है, ये कोई पीछे से कोई एकाध देवता आ जाए, सामने से आ जाए, आप संतुष्ट हो जाए कि मुझे तो देवताओं के दर्शन होने लगे, मैं बहुत ऊँची स्थिति में हूँ। आप ऊँची स्थिति में नहीं हो, क्योंकि नाम के बिना और परमात्मा के बिना ये रास्ते में बहुत भटकाने वाले आते हैं, आपको भटकाते रहेंगे, इसी मार्ग पर चलाते रहेंगे, कहीं मंजिल तक ना पहुँच जाएँ, आपको भ्रम होता रहेगा। जैसे बहुत तेज़ धूप के अंदर आप देखो नज़र मार करके, जब बहुत तेज़ धूप हो जाए तो दूर सड़क के ऊपर आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे जल है सड़क के ऊपर, पानी बिखरा पड़ा है, लेकिन जब आप वहाँ से गुजर के जाओगे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस प्रकार से दुर्योधन को भ्रम हो गया था महल के अंदर, जमीन के ऊपर जल का और जल के ऊपर जमीन का भ्रम हो गया था, इसी प्रकार से जीवों को ये भ्रम हो जाता है और भ्रम ब्रह्म से दूर लेकर के चला जाता है। लेकिन जब हम ब्रह्म के नज़दीक जाते हैं ये भ्रम दूर हो जाता है।